नरेंद्र मोदी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। शुक्रवार सुबह खबर आई कि उनकी मां का निधन हो गया है। बुधवार को हीराबेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद आनंद फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया था। यूं तो हीराबेन की उम्र 100 साल थी, लेकिन काम के मामले में वो जबरदस्त तरीके से एक्टिव थी। लिहाजा डॉक्टर्स ने जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया और जब बताया कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, वैसे ही लोगों को ये उम्मीद लगने लगी थी कि वो जल्द ही ठीक होकर अपने घर वापस लौटेंगे। लेकिन किसे पता था कि शुक्रवार सुबह ये दुखद खबर सामने आएगी। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। 2 दिन पहले ही ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी उन्हें, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया था। अब जैसे ही प्रधानमंत्री को ये सूचना मिली, वो तुरंत अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने अपनी मां को अंतिम विदाई दी। अब इन सबके बीच जहां एक तरफ मोदी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक साथ आकर नरेंद्र मोदी को इस वक्त सांत्वना दे रहा है, उन्हें कंसोल कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। दरअसल सब जानते हैं नरेंद्र मोदी अपनी मां से कितना प्यार करते थे, लिहाजा जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, तो ये माना जाने लगा था कि नरेंद्र मोदी अपने आज के सारे कार्यक्रम कैंसिल कर देंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है कि मोदी ने अपने तय ये कि नरेंद्र मोदी खुद ना जाकर बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया हैरान रह गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जितना प्यार अपनी माँ को करते थे, उतना ही प्यार वो देश की जनता को करते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने किसी भी प्रोग्राम को रद्द करने का फैसला न लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस